आज अपन थोड़ा सा ज्वाइनिंगों को एक्टिव करने वाले विषय को थोड़ा ज्यादा फोकस में लेते हैं। उसके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपन काफी समय से ज्वाइनिंगों को एक्टिव करने के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो किन किन साथियों ने उन विषयों पे गंभीरता से काम किया और क्या परिणाम रहे, ऐसे कुछ अनुभव एक बार हम सुने। सर, हमने जो नई ज्वाइनिंग्स करवाई थी उसको जो हमने एक्टिव कराया है, उसमें से मैंने जो चीज़ों को, जिस पॉइंट्स को आपने नोट्स करवाए थे, कि सबसे पहले तो हमें उनके जो है ना रिलेशन अच्छे बिल्ड करने हैं। तो हमने ये किया कि हमने जितने भी हमारी नई ज्वाइनिंग्स थी उनके साथ हमने रिलेशन बहुत अच्छा बनाया। और दूसरा काम हमने ये किया था सर, कि उन्होंने उन्हें हमने खुशियों की चाबी मूवी दिखाई साथ में बैठकर। तो वहां से एक अंदर से एक और रिलेशन हमारा अच्छा बिल्ड हुआ। उसके बाद हमने उनको वंडर वर्ल्ड क्विक की विजिट करवाई, और वंडर वर्ल्ड क्विक की विजिट कराने के बाद उन्होंने वहां से परचेज किया। लगातार 2 महीने 5,000 7,000 की उनकी परचेज हुई। प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा बिलीव सिस्टम बनने के बाद हमने इस महीने से, अप्रैल महीने से सर, फरवरी और मार्च में हमने ये किया था, और उनकी अब लिस्ट बनवानी शुरू की है उनके ग्राहकों की। अभी हमने बोला कि अब हमें जोड़ने पर काम नहीं करना, अब हमने उनकी सेलिंग शुरू करवाने की बात की है। और इस महीने में सर उनका हमने डिस्प्ले वॉल भी करने की तैयारी की है। 4 ऐसे साथी हैं सर जिनके साथ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कि पहले उनका प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बढ़िया बिलीफ बनवाया हमने, उनको ये अंदर से विश्वास हो गया कि इसके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। तो फिर अब हम उनकी जो है ना प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवा रहे हैं, जिनको उनके हम ग्राहक बना सकें, ताकि उनकी सेलिंग वहां से शुरू हो पाए और वो थोड़ा सा अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करें। ऐसा हमने सर करवाया, जिससे कि अब ऐसा रिजल्ट। और कितने कितने साथियों के साथ करवाया ऐसा? सर, मैंने पर्सनली 4 साथियों के साथ करवाया था, और मेरी टीम में लगभग लगभग मुझे लगता है 20 साथी के साथ ऐसा हुआ है सर। 20 नए साथियों को हमने एक्टिव करवाया है। ज्वाइनिंग तो ज्यादा हुई होगी। यस सर, ज्वाइनिंग ज्यादा हुई थी, बट प्रॉपर वे में 20 साथियों को हमने एक्टिव करवाया है। तो चलो, और सब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो एकदम। यस सब तक ये एक्टिविटी हो चुके हो गए, पहली बात जितनी हो रही है उसमें और थोड़ा इजाफा करना पड़ेगा, दो जोर ज्यादा चाहिए, ऐसा दिमाग में रखना है। क्योंकि ज्यादा की तैयारी करेंगे हो सकता है किसी को इतना ही कर पाए, किसी को ज्यादा कर पाए, किसी को थोड़ा और कम हो गए, तो ज्यादा में क्या थोड़ा स्कोप अच्छा बना रहता है कि थोड़ा कम भी हुआ तो भी एक्टिव होने के चांसेस बने रहते हैं। पहले हम कम की तैयारी करते हैं, फिर वो भी नहीं होता है तो छूट जाते लोग। और सब तक पहुंचने का वो दोनों ही लीडर से मैं कोई प्रॉपर सब तक हम कैसे पहुंच रहे हैं वो कोई बात सुन सर, सब तक नहीं पहुंचने के लिए पाती। हम सर क्वालिटी टीम बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उसमें हमें डेटा बहुत अच्छे से मिल रहा। नहीं, पर लीडर सब तक पहुंचने का रास्ता बनाना है। चलो, मैं 50 आदमी का एक ग्रुप बना रहा हूं, जाकि मार्केटिंग प्लान उनको सब तरह से दिखाया जाए। और वो मार्केटिंग प्लान साथी को मैं फील्ड में होम मीटिंग के जरिए, एक एक साथी को मैंने एक होम मीटिंग पर साथी को करना है, सब एरिया में अपने अपने क्षेत्र में होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग के जरिए 3 काम करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, नया साथी को सिखाएंगे, पुराना साथी को सिखाएंगे, साथ में प्रोडक्ट सेलिंग भी करेंगे सर, रिटेलिंग भी करेंगे। और तीसरा मैंने एक पॉइंट लिया सर, डिस्प्ले वॉल को रिपेयरिंग करना, डिस्प्ले वॉल को फिर से हम पुनः उनको उद्घाटन करेंगे सर, जाकि बहुत सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल में आ चुका है और डिस्प्ले वॉल पहले से बना हुआ है लेकिन उसमें सिस्टम नहीं आ रहा है, तो उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं सर। ये 3 काम मैं कर रहा हूँ, होम मीटिंग, और दिन में कम से कम 50 लोगों का होम मीटिंग सर पर डे। और इसको मैं पूरा निगरानी कर रहा हूँ जूम का माध्यम से, यूट्यूब का माध्यम से, और आपको फेसबुक का, जो भी मैं सोशल मीडिया से काम कर रहा हूँ, और लोगों को नजदीक में तो फोन का माध्यम से मैं डेली रिपोर्ट दे रहा हूँ सर, और डेली बिलिंग, डेली सेलिंग, और इसमें मेरा काम चल रहा है, और डिस्प्ले वॉल का रिपेयरिंग कर रहा है सर। ये 3 काम मैं कर रहा हूँ सर। अभी प्लान प्लान दिखाने का क्या बोल रहे थे स्टार्ट में? मतलब जो भी साथी, कच्चा ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, कोई भी साथी को ज्वाइनिंग करेंगे अच्छी तरह से सिखा के समझा के, प्रोडक्ट का जानकारी देके, एक एक प्रोडक्ट का जानकारी देके उनको आईडी बनाएंगे सर। पहले उनको माल रिटेलिंग करके उसके बाद में ज्वाइनिंग करेंगे सर। नहीं, अब इसको सीधा सीधा देखो, मैं सीधा आंकड़ों में बात करता हूँ अपना। मान लो जनवरी 2022 है ना, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 और दिसंबर 2021, इन 3 महीनों में जो ज्वाइनिंग हुई है आप निकाल पाएंगे ना? हाँ सर, इनमें से कितने लोगों ने, कितने लोग अब रेगुलर है, मतलब उसका परसेंटेज निकालना है अच्छा कि हमारे कितना सक्सेस रेट, इसको सक्सेस रेट बोलते हैं कि पहले कितना था और अब कितना आया, यस सर, नहीं बता पा रहे हैं। सक्सेस रेट को बढ़ाना है कि पहले 100 ज्वाइनिंग होती थी तो 10 लोग सेकेंड मंथ परचेज करते थे। मान लो अपन ऐसा मान लेते हैं कि 10% सक्सेस रेट थी, तो अब उसकी 40% हुई, 50 हुई, 60 हुई, 80 हुई, कितनी हुई वो,
ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो ये तो प्रैक्टिकली आप लोग क्या करते हो तो आपको डिसाइड करना है, पर अपना सीधा सीधा है कि जितनी भी ज्वाइनिंग होती है, अपन क्या शब्दों में क्या बोल रहे हैं, कुछ बार कई बार बोल चुके हैं ना कि जितनी भी ज्वाइनिंग होती है एक को भी नहीं बैठने देंगे, एक को भी, ये बोला है ना अपन ने, एक को भी नहीं सर, बैठने देंगे, यानी फिर एक एक तक पहुंचना है। अपन यस सर, ने ये भी बोला कि चाहे मैं ज्वाइनिंग करूँ या मेरी टीम का कोई भी साथी कराए, ये भी बोला है अपन। यस सर, तो उन सारी हाँ तक कैसे पहुंचना है, अपने द्वारा अपनी टीम के माध्यम से, और बहुत अच्छी तरह से पहुंचना और सबको एक्टिव करना है। ऐसे ओपन में तो अपन कुछ भी एक्टिविटी करेंगे कि जो आगे जाके नहीं आए, जो नहीं आए लोग, वैसे तो ठीक है, वो चल ही रहा है, पर अपन हर एक को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और आपको यस पिछले आंकड़ों के मुकाबले हर महीने का एक चार्ट बनाना है, आपको बाकायदा शो करना है कि हमारी सक्सेस रेट दिसंबर में ये थी, जनवरी में ये थी, फरवरी में ये थी, मार्च में ये थी, और मार्च 2 में ये थी। ये आपको आंकड़ों में बात करनी है, आपको बना के बताना है। पिछले महीने सर हमने एक अच्छा कार्य ये किया था सुधार के लिए कि अभी तक हम लोग जो ज्वाइनिंग को कराते थे तो उन्हें ज्वाइनिंग कराने के बाद बहुत ज्यादा केयर नहीं करते थे। और इसी मीटिंग से एक बात हमें सीखने को मिला था कि हमें वेलकम करना है। और हमने पिछले मार्च में अपने ग्रुप्स के कई लोगों के यहाँ जाकर के खुद वेलकम किया था। उस वेलकम से लोग इतने प्रभावित हुए थे कि वो जो भी बातों को बताया जा रहा था, क्योंकि होता क्या कि अगर हम 10 लोगों के सामने किसी का सम्मान कर रहे हैं ना तो वो दिल से जुड़ जाता है। तो वो वेलकम करने के बाद डिस्प्ले वॉल भी लिए और जो भी उनका एक लेवल सेट किया गया, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, उन्होंने उसको भी अचीव करने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। और उसके बाद जो लोग 1500 बीबी तक करने वाले थे उनको हम लोग लॉयल क्लब जो 2500 बीबी है उसमें हमारी संख्या बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो एक छोटे से सिर्फ काम से वेलकम करने से, और हमें लगता है कि इस कार्य को हमें निरंतर करते रहेंगे तो हमारी पूरी टीम हमेशा एक्टिव रहेगी। बहुत बढ़िया है, वेलकम वाला अच्छा तरीका है। बस यही सब तक कैसे पहुंचना हुआ हमें और सोचना था, और ये हर महीने की रिपोर्ट बनाना सीखो। मैं शुरुआत किया था तो उस समय कुछ लोग आए थे, और कुछ लोग आए वो खरीदारी करना बंद कर दी। तो अभी 2 महीना पहले की बात है कि मैं 2-3 लोगों से घर पे जाके होम मीटिंग किया, और होम मीटिंग करने के बाद जब मैं उनका बिजनेस दिखाया, 3.5 लाख से पार उनका बिजनेस मैं दिखाया, वो काफी पॉजिटिव हुए वो अपना बिजनेस दे करके। और उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि राजीव जी, हमने तो इसमें कुछ काम किया नहीं है, मेरा बिजनेस इतना कैसे हो रहा है। जब सिस्टम के बारे में जब मैंने उनसे बात किया, तब उन्होंने कहा नहीं है तो ठीक है, इसमें परचेज हमें करना चाहिए। वो परचेज करने के लिए स्टार्ट हो गए, और सर आज के डेट में मैं उनको फोन भी नहीं करता, वो पिकअप सेंटर में जाके खरीदारी कर सकते हैं। अब हमें इसे काम करना है तो सर मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं हर महीने जो मेरे आईटी डीएक्टिवेट है मैं उनको चालू करूंगा। डीएक्टिवेट को चालू करना है और सक्सेस रेट को बढ़ाना है। और मैं तो सर लगातार अभी काम कर रहा हूँ। एक हमारे साथी, पुराने जो साथी थे जो उसको टर्मिनेट था, उनको सर मैंने कोविड में ये बिजनेस की ताकत को उसको मैंने बताया कि आज ये पैसिव इनकम क्या होता है। जब इस पैसिव इनकम के महत्व को समझे, जब वो ऑलरेडी टीचिंग लाइन से वो 40-50,000 इनकम ले रहे थे और अचानक कोविड में उसकी इनकम जीरो हो गई, तो जब हम लोग का इनकम को देखे सर, पैसिव इनकम देखकर वो एक्साइटमेंट आया उसके अंदर, और काम करना शुरू किया 2020 से, और 21 में वो गोल्ड के पिन को अचीव किए, और 2022 के मार्च में स्टार गोल्ड के पिन को अचीव किए पुराने साथी थे। उसके बाद अभी जितने भी नई ज्वाइनिंग हो रही है सर, वो कंटिन्यू परचेज हो रहा है उनका, और सभी हम अपने अपने टीम में सारे लोगों को सर, जितने भी हमारी टीम में लीडर है, सभी साथी को साथ में बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कोई भी परचेज, जिसकी भी ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग कम हो कोई दिक्कत नहीं, रिपर्चेज कंटिन्यू होनी चाहिए और रिपर्चेज मिस नहीं हो, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके बिजनेस की सही जानकारी उसको देना ताकि कंटिन्यू यूज करे। और यूज करने के साथ साथ उसके साथ होम मीटिंग करना है बैठ करके, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, उसके साथ प्रोडक्ट बेचना कैसे वो उनको सिखाना है। एलडीपी वाले लीडर्स विशेष तौर से नोट कर लें, इसे नोट कर लें। एलडीपी में 2 रिपोर्ट मुख्यतया होगी, एक तो आपका पीछे से जनवरी से जो बिजनेस कितना कितना चल रहा था हर महीने, और आगे हर महीने आपको वो पूरा बाकायदा वहाँ डेटा से बात होगी वहाँ पर। और दूसरा ये आपके ज्वाइनिंग सक्सेस रेट कि हमारी अभी ज्वाइनिंग जो है इतनी सक्सेसफुल होने लगी, और ये डेटा हमारे पास कंपनी के पास भी है। तो ये 2 बातें विशेष ध्यान में रखें, अभी से उस पर तैयारी शुरू। या ये है सर कि मेरे टीम के अंदर सबसे डेप्थ में है सर, हमने देखते हैं सर किसका बिगनर पिन है, तो बिगनर पिन वाले का क्वालिटी टीम बुक मैंने तैयार करवाया, उनके साथ भी करवाया है और मेरे साथ मेरे पास खुद भी है। तो बिगनर पिन वाले से जहां से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से उसको जिम्मेदारी दिए हैं कि भैया यहां से टीम आपका है, कंपनी आपकी है और चलाना आपको है। फिर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं सर, कि ट्रेनिंग ये देते हैं कि आपको सेल कर खुद 5000 बीबी से ऊपर करना है, सेल करना है, और अपने टीम में सेल करने वाले का संख्या और बढ़ाना है, और जो नहीं कर रहा है उनको सेल करने के लिए सिखाना है तो खुद सिखाना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे से बात कराइए, फिर कार्यशाला में प्रत्येक दिन आपको ज्वाइनिंग वहां से होना है। उसके बाद फिर उसके ऊपर में होता है सर स्टार्टर, जहां से 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम तैयार होता है। उसके लिए मैंने फिर एक अलग से उसका क्वालिटी टीम बुक तैयार किया है। फिर मैं उनको मैं कहा कि आपको यहाँ से तैयार करके, फिर उनको वही चीज उनको मैं कहा
कि बिजनेस आपका यहाँ से है जो टर्मिनेट हो गया, चूंकि उसके ऊपर में तो बहुत सारे लोग हैं सर, जो है सर जो कि टर्मिनेट हो गया है। मैंने उनको कहता हूँ भैया आपको टर्मिनेट को सही कराना है, फिर बिजनेस के बारे में फिर बढ़िया से उससे बातचीत करनी है, फिर दोबारा काउंसलिंग करना, आपको समझना है यहाँ से आपका नया लोग है। तो उसी तरह से सर स्टार्टर हुआ, फिर ओपनर हुआ, ईगल हुआ, विनर हुआ, उसके बाद लीडरशिप हुआ सर। तो 3.5 लाख तक का जहाँ तक बिजनेस उनका है, तो वहां तक के लिए हम सब मतलब सबका क्वालिटी टीम बुक मैंने तैयार किया है। उसके बाद फिर अलग अलग जैसे ओपनर, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर और रनर, विनर और लीडरशिप, सबका मेरे पास एक अलग सा डाटा है कि मेरे पास कितने लीडर है, 10 लीडर या 15 लीडर है, उनके साथ सर डेली हम बातचीत करते हैं कि आज आपने क्या किया, कैसा काम किया, कोई क्या परेशानी आपके आपके साथ आई, या कोई प्रोडक्ट के बारे में फिर उससे चर्चा करते हैं, नूटी चार्ज मेन के बारे में, या वोमेन के मतलब नूटी चार्ज वोमेन के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि आप यहाँ से मतलब कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चन करते हैं वो बताते हैं। तो सर वहां से बिजनेस ग्रोथ हो रहा सर। बहुत खुशी की बात यह है सर कि मार्च 1 से मार्च 2 सर मेरा बहुत लकी रहा अब तक है सर, 8 दिन हुआ सर, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है सर। थैंक यू सर। सर कुछ मेरे टीम में सर इसका कुछ टर्मिनेट पर्सन है, तो उसके लिए क्या कुछ करना, कुछ उपाय हो सकता है? ऐसा मानिए कि अभी वो ज्वाइनिंग नहीं है जी, नए आदमी से जैसे डील करते ना वैसे कीजिए, नए सिरे से मतलब ज्वाइनिंग तो है, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि जो ज्वाइनिंग नहीं होता उसके साथ क्या करते हैं ना, उतना ही काम करना, आपको एक एक प्रोडक्ट उसको ठीक से समझाना होगा, इससे उसकी तो आदत ही नहीं है ना, यूज प्रोडक्ट यूज करने की भी आदत नहीं है। तो ऐसे नए ग्राहक को जैसे अपन बताते हैं ना वैसे मानते हुए आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आराम से। बिल्कुल, हमारे पास तो प्रोडक्ट की ताकत इतनी बड़ी है ना, आप उसको काम इस्तेमाल उसी को लेना है। अपन क्या दूसरे सब्जेक्ट पे घुस जाते हैं ना, तो इसलिए फिर दिक्कत आती है। कितना भी दुनिया का कोई सा ही टर्मिनेट हो, कोई सा ही लेट हो, कोई सा ही गेट हो, प्रोडक्ट सब यूज करते हैं दुनिया में, और प्रोडक्ट से किसी को कोई वो दिक्कत भी नहीं होती है। नेटवर्किंग से हो सकती है, आरसीएम करने से दिक्कत हो सकती है, पर प्रोडक्ट यूज करने से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। सर टर्मिनेट आईडी को सर पहले हम पीडीएफ निकालते हैं 3 मंथ का, और उसमें से सबको सर पहले हम मैसेज बनाते हैं, जैसे कि आज के डेट में हर फोन पर 100 SMS फ्री मिलता है, लोग आजकल व्हाट्सएप पर रिसीव करता नहीं है, तो मैसेज बनाते हैं और मैसेज में टाइप करते हैं कि आपके आरसीएम आईडी के नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, लेकिन आपके नीचे खदानी नहीं होने कारण ब्लॉक हो चुका है, जिससे कारण क्या कि आपका जल्दी से अपना आईडी ओके करवा ले, है ना, इस तरह से मैसेज देते हैं सर। इसके बाद से बारी बारी से कॉल करके या उसके पास जाते हैं, मिलते हैं, फिर बाद में एक्टिव हो जाता है, फिर चालू कर लेता है। तो आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, और मुझे इसमें अभी आप सबकी बातों को सुनकर लग रहा है कि इस पे हमें और ज्यादा खोज और करनी पड़ेगी हमें। और मैं विशेष तौर से उन साथियों से अगर मैं बात करूं जो जिनको ज्वाइन किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, यानी जो 2018 या उससे पहले से ज्वाइन है, वो लोग अगर टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करना सीख जाए तो वो अपने बिजनेस को संभालना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इतना बिजनेस हो जाए, क्योंकि आईडीज का ढेर पड़ा हुआ है सबके पास, भंडार है, अतुल भंडार है। जो नए हैं उनके हो सकता है थोड़ा कम भंडार हो, पर जो थोड़े पुराने हो गए उनके पास तो बहुत बड़ा भंडार है। पर ये चीज तो हमें सीखनी है कि टर्मिनेट को एक्टिव कराना है, पर उससे भी ज्यादा ये सीखना है कि हम टर्मिनेट होने ही नहीं दें, जो हो गया उसको तो एक्टिव है अब, लेकिन नई को भी हम पहले होने दें फिर करेंगे, वो थ्योरी नहीं रखनी है कि चलो अभी तो होने दो टर्मिनेट फिर देखेंगे, नहीं, जो हो गई है वो ठीक है उनको एक्टिव कराएंगे, पर अब आगे से टर्मिनेट हम किसी को नहीं होने देंगे। सर मैंने जनवरी से अभी तक का डेटा निकाला है, 366 लोगों की जॉइनिंग है सर, जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक का सर, आज तक का। तो अब इसकी एक्टिव रेट निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। जी सर। एक्टिव रेट दो तरह से होगी, एक तो हम फर्स्ट मंथ को भी एक्टिव में देखेंगे, कई लोग क्या कि सेकंड मंथ की परचेज नहीं करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग हुई ना सेकंड मंथ से छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग सेकंड मंथ करते हैं, थर्ड मंथ करते हैं, फिर जाके छोड़ देते हैं। तो एक्टिव दो तरह की होगी, एक तो सेकंड मंथ खरीदार वो सक्सेस रेट है, और एक परमानेंट एक्टिव हो गए, तो इसको अपन थोड़ा सा फॉर्मूला निकालेंगे और वो हमें एक्टिव रेट बढ़ानी है, वो एक उस डेटा पे काम करेंगे ना, तो लोगों को एक रास्ता निश्चित क्लियर रास्ता दिखता है।